नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्लांट सफ़र चैनल में। मेरा नाम है रोहित। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिबिकस को किस तरह से केयर करें, इसकी मिट्टी कैसे बनाएं। अगर आपके फूल ये जल्दी जल्दी गिर रहे हैं पीले होके, तो उसमें क्या करना चाहिए, वीडियो को पूरा देखें। आइए चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास देसी गुड़हल का पौधा है और ये लगभग 4 महीने पुराना है। उस समय नर्सरी से लेके आए थे और ये अब देखिए इसमें फूल निकलना शुरू हो गया है। वैसे ये कई अलग अलग रंग में आते हैं, मेरे पास सफ़ेद भी है और हाइब्रिड वैरायटी का भी आता है। हाइब्रिड वैरायटी में थोड़ा सा सेंसिटिव वो ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा ठंड पड़े ज़्यादा गर्मी पड़े तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसलिए उसमें सुबह के केवल मॉर्निंग की अगर 1 घंटे धूप में रखें और बाकी छाई में रखें तो वो सही चलता है। और ये है देसी गुड़हल, ये इतना सेंसिटिव नहीं होता है, साल भर तक ये हरा भरा बना रहता है, फूल भी देता है। बस ये अगर ज़्यादा जाड़ा पड़ रहा हो उस समय थोड़ा फूल कम कर देता है। और ये हमेशा फूल देने वाला पौधा है, बहुत ही सुंदर फूल इसमें आते हैं। अगर इसमें समय समय पर अगर इसकी कटिंग करते रहें तो वहाँ से नई नई शाखाएँ निकलेंगी और नई नई कलियाँ निकलेंगी। इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी में गार्डन सॉयल, वर्मी कंपोस्ट और रेत ये मिला करके बनाते हैं, तो उसमें पानी जल्दी रुकता नहीं है, उसको तुरंत निकल जाता है। पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं, मिट्टी में पानी का ज़्यादा देर तक रुकना या मौसम का बदलना। अगर ज़्यादा सर्दी एकदम से पड़ रही है या ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तब भी ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण इसकी पोटेशियम की कमी भी होता है। पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ये केले के जो छिलके हैं उन्हें रात भर रखें और अगले दिन उसमें पानी मिला करके इसको अगर देते हैं तो पोटेशियम की कमी भी पूरी हो जाती है और नई नई कलियाँ बननी भी शुरू हो जाती हैं। अगर इसमें मिली बग का अटैक होता है तो आप स्प्रे बोतल से इसको रोज़ाना स्प्रे करें तो मिली बग काफ़ी हद तक चला जाता है। अगर फिर भी ना जाए तो नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, इससे कि सारे मिली बग निकल जाएंगे। मिट्टी में नीम की खली अगर मिलाते हैं तो उसे मिट्टी में जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं जिसकी वजह से इसकी जड़ को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, तो आप नीम खली को मिला दीजिए हर 20 से 25 दिन में, तो इसमें काफ़ी इसमें सुधार आएगा। ये धूप वाला पौधा है इसलिए इसको हमेशा धूप में ही रखें, धूप में ही रखने से ही इसमें ज़्यादा फ्लावर आएंगे। और भी मेरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।